हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब तक एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी अपने न्यू एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए 85% क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से ही लेता है। अगर आप 2016 के सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ था उस पेपर को देखें, या फिर जो 2017 में एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को उठाकर देखें, तो आपको मिलेगा कि जीएस का 85% क्वेश्चंस सेम क्वेश्चंस वही देखने को मिले थे। तो ऐसा हर साल होता है, बस फर्क इतना होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को वो कुछ अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देगा, घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है, उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो वो कैसा भी क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप अपने साथ रखें एक पेन और पेपर, एक नोटबुक और पेन अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपको राइट आंसर पहले खुद चूज करना है अपना, और बाद में जो मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा अपने आंसर से उसको टैली करना है। आपका जो भी फाइनल स्कोर बनेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर भेजेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ या जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 26 से ही जीके का जो पार्ट होगा वो स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के पार्ट वन में, ये होगा पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 26 से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो हमसे कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसको हम बोलते हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता एंड उत्तराखंड। इसमें से राइट आंसर क्या है वो आपको चूज करना है। आप केवल 5 सेकेंड में ये अपना राइट आंसर चूज करके जो भी आपका आंसर होगा वो भी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिखिए, उसके आगे लिखिए अपना आंसर ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है। आई होप आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, सी कोलकाता। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल। ये वीडियो जो टारगेट करा गया है मैंने जो करा है कम्प्लीटली जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ध्यान रखिएगा हमसे बात कर रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हमसे पूछा इसने इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी तुरंत इसको नोट करिए, और अगर आप नोटबुक नहीं उठा रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर वॉच करिएगा। 2 से 3 बार वीडियो को वॉच करेंगे तो टोटल 25 क्वेश्चन जो इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मोमबत्ती का जलना एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। ए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ चेंज ऑक्योर, मतलब दोनों परिवर्तनों में घटित होती है, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है ये हमको यहाँ पर अभी चूज करना है। तो इस वीडियो को मैं अगेन आप 5 सेकंड का समय लीजिए, 5 सेकंड मैं आपको दूंगा इस चीज़ के लिए, केवल 5 सेकंड। तो आप 5 सेकंड में अपना राइट आंसर चूज करके अपने नोटबुक में लिखिए, और मैं आप बता दूँ उसका आंसर राइट क्या है। इसका राइट आंसर है सी, बोथ चेंजेस ऑक्योर, दोनों परिवर्तनों में घटित होती है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या है, सी। देखिए आपको जो भी राइट आंसर रहेगा उसके लिए आप देंगे अपने आप को 1 मार्क्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन गलत होगा फिलहाल नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 3960 मेगावाट तिल्लैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स किस राज्य में स्थित है।
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमको चूज करना है। इसका राइट आंसर जो है वो है क्या, आप बताइए आपका राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड, आप याद रखिएगा झारखंड। बात करी गई है 3960, 3960 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। इसने पूछा है किस स्टेट में है, उस स्टेट का नाम आप याद रखिएगा, उस स्टेट का नाम है झारखंड। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए मैं इसकी डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ, केवल आपको ऑप्शंस क्या होंगे राइट वो केवल बताऊंगा, क्योंकि हम लोग घटा चक्र की बुक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग उससे संबंधित तथ्य रीड कर रहे हैं। अगर इस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने जाऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और अधिक लेंथ के वीडियो स्टूडेंट बहुत कम देखते हैं। हो सकता है कि उनके पास डाटा की कमी हो या कोई अदर रीजन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट टू रिवाइव द एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ओरिएंटल कला भारतीय समाज की स्थापना की थी। ए बी सी डी, अगेन चार ऑप्शंस। तो हमको चार पर्सन, जो चार पर्सनालिटी हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो हमको इसमें राइट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है, आप वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर चूज करिए, ए बी सी डी इनमें से क्या। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसमें मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, इसने बोला है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ओरिएंटल कला भारतीय समाज की स्थापना किसने करी। हमसे पूछ रहा है कि स्थापना किसने करी, किसकी, इन्होंने जो स्थापना करी वो करी ओरिएंटल कला भारतीय समाज की। इनका नाम क्या था, अवनींद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, उसका नाम क्या था। ठीक है, हमसे उसका नाम पूछ रहा है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको इसका आंसर क्लियर करना चाहूंगा। इसका राइट आंसर है एडसॉक, EDSAK। ये हमारा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में है कि सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, उनका नाम क्या था। सर जेम्स हे, सर थॉमस रो, सर थॉमस हार्वर्ड या फिर सर जॉन डिग्बी। तो इसका राइट आंसर है बी, सर थॉमस रो। ये सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, जहांगीर के दरबार में 1615 में ये पहुंचे थे और इनका नाम था सर थॉमस रॉ। ये एक्चुअली जहांगीर के दरबार में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि ये यहाँ पर भारत में एक ट्रेडिंग के विचार से आए थे कि हम लोग एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बट जहांगीर ने इनको अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, ये कुछ समय बाद में मान गए थे, वो बात अलग थी, ये एक लंबी स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अगर संतुलन एवं संबंध की सिफारिश करने के लिए 1983 में निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया। देखिए एक होती है हमारी केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में कोई भी अगर संतुलन बनाना है विचारों, अगर आपस में राज्य सरकार के विचार और केंद्र सरकार के विचार आपस में टकरा रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके बीच में संतुलन बनाने के संबंध से संबंधित एक 1983 में आयोग का गठन करा गया। तो उस आयोग का नाम क्या था वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सरकारी आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, सरकारी आयोग। देखिए ये क्वेश्चंस भी एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चंस पूछा गया था 2011 में, 2013 में, 2015 में और इसके आने की भी संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का इसका एग्जाम है, वो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे व्यस्त नागम्य नदी कौन सी है, सबसे जो बिजी नदी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो वोल्गा नदी, सीन नदी, राइन नदी या फिर डेन्यूब नदी। तो इसका राइट आंसर है सी, राइन नदी। सबसे व्यस्त नागम्य नदी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। चलिए
अगला क्वेश्चन सर, जल का तालाब किसके कारण कम गहरा दिखाई देता है? जल का जो तालाब होता है तो वो हमें काफी कम गहरा दिखाई देता है। ए पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू किस रीजन से? डिफ्लेक्शंस, डिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शंस या फिर पोलराइजेशंस, ध्रुवीकरण के द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा हमारे सामने रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। क्या होता है कि तालाब हमको कम गहरा दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पीले रंग का पूरक संपूरक रंग कौन सा है? विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो? तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताइए, वीडियो को पॉज करिए, इसका राइट आंसर होगा ब्लू, संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था? मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी? इसका हमको सही आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर है डी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन सर, बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्लता का प्रयोग करा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन बैटरी? तो इसके हमारे सामने चार ऑप्शन अगेन है। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर में चूज करिए, क्योंकि आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में आपका फाइनल स्कोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। कि बैटरी में जो अम्लता, जो एसिड यूज करा जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कि लैंगिक संबंधी संचारित रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है, वह कारक क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको शायद पता होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कि 2016 सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का क्या पोजीशन रही, वो क्वेश्चन हमसे किसमें? सतत विकास, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल इंडेक्स में हमारा क्या स्थान था वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 110। ऑन विच डेट द वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 4 जुलाई को, 25 अक्टूबर को या फिर 26 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून को। देखिए जून अभी हाल ही में समय बीता हुआ है, अभी ये कि ये आपका रिसेंटली ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एमटीएस के एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा इसको, या फिर जिसका भी सीपीओ का एग्जाम है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए डेज को लेकर के इस चैनल पे आपको एक शॉर्टकट वीडियो मिलेगी, एक ट्रिक मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे काफ़ी ट्रिक के साथ तो उस वीडियो के माध्यम से आपको याद कराए गए हैं, तो आप शायद प्ले लिस्ट में जा करके शॉर्टकट ट्रिक के प्ले लिस्ट में क्लिक करिएगा, उसमें आपको ये लेक्चर या फिर वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन भी संपादन किया, उनका नाम क्या है? देखिए इंडियन मिरर अखबार का जो संपादन करा था वो करा था 1861 में, ठीक है, उसके बाद किसने करा था हमसे उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। अगला क्वेश्चन है, पिछले एक दशक में सफल कारोबार की एक प्रमुख विशेषता रही है क्या? देखिए ये क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सारे ऑप्शन ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर होगा ए, विश्व में सबसे सस्ती लागत पर उत्पादन के घटक को तकसीम करना। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है? यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया गया हो, कौन सा आर्टिकल है, हमसे उसका आर्टिकल का नाम पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में ऐसा होता है, ठीक है, उस आर्टिकल का नाम। तो ये आर्टिकल नंबर जो रहेगा उसका जो राइट आंसर होगा, देखो या तो 315, 312, 320, 345, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है।
राइट आंसर 312 में, आर्टिकल 312 में ये कहा गया है कि संसद की एक अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। संसद जो होती है क्या, एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा पारित कर देगी तब। तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि डोवर जल संधि, स्टेट ऑफ डोवर, ये जल संधि किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच में है, उन दो देशों के नाम हमको बताना है। यूके और फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, पुर्तगाल और इटली, इटली और ग्रीस, इसमें से हमारा राइट आंसर हमको चूज करना है। देखिए जो ये डोवर जल संधि है ये है यूके और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश में तख्ता पलट के प्रयास के बाद 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित किया गया। 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित कहाँ पे किया गया, किस देश में करा गया, उस देश का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, टर्की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि n बराबर 4 हो तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए जो बच्चे, जो स्टूडेंट साइंस साइड से, स्ट्रीम से पास हुए हैं, जिनके पास साइंस साइड थी, तो वो इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। 16 और 32 इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कभी और बताएंगे हम लोग। ठीक है, जीवन का केंद्रीय सिद्धांत वाक्य क्या है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन अगेन दिए गए हमको यहाँ पर। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। देखिए अल्प परासारी घोल में कोशिका होती है क्या, किस टाइप की कोशिका होती है, ये होती है आडंबरी। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो भी स्टूडेंट एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसको डायरेक्ट अभी याद कर लीजिए, क्योंकि एमटीएस में इसकी संभावना आने की बहुत अधिक है। ठीक है, और जो बच्चे सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लेवल से ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 कि मिशेल काकाडे जिन्होंने पैर पर भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज दौड़ को पूरा किया, ठीक है, वह भारत के किस शहर से थे। ये नाम है इनका, इन व्यक्ति का नाम है कि मिशेल काकाडे, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द इंडियन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑन फूट, बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका हमको राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर पुणे होगा, कोची होगा, दिल्ली या फिर बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मोस्ट, शुल्क बाधाओं को कम करना, विदेश प्रत्यक्ष निवेश, या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर ई कॉमर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, यह हमको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ई कॉमर्स। देखिए आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपके फाइनल स्कोर क्या बना, 50 में से आपका कितना स्कोर आया, 25 क्वेश्चन थे। तो अगर आपने एक क्वेश्चन में को अगर आपने 2 नंबर दिए हैं आपने, या फिर 25 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपने खुद को देना था। ठीक है, आपका जो भी स्कोर बना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बाजू में, उसके बगल में, उसके साइड में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, लेता हूँ आपसे अलविदा, धन्यवाद।